नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हवाई जहाज में थर्मामीटर को ले जाने की अनुमति क्यों नहीं होती है। थर्मामीटर यानी बुखार नापने वाला यंत्र। आप में से अधिकतर लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में थर्मामीटर को ले जाने पर प्रतिबंध क्यों है? यदि हवाई जहाज में थर्मामीटर को नहीं ले जा सकते तो प्राथमिक चिकित्सा के दौरान यात्रियों का तापमान कैसे नापते हैं? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आप डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हो या इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करने वाले हो, यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन आपको थर्मामीटर को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है यानी पारा। मरकरी यानी पारा एक ऐसा मेटल लिक्विड है जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मरकरी की एक बूंद कई टन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हवाई जहाज में सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। मरकरी की सबसे खास बात यह है कि यह एल्यूमिनियम को तेजी से नष्ट करता है, परंतु खुद नष्ट नहीं होता है। यदि यात्रा के दौरान थर्मामीटर टूट जाए तो पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना प्रतिबंधित है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हवाई जहाज में थर्मामीटर नहीं होता है तो प्राथमिक चिकित्सा के दौरान बुखार को कैसे नापते हैं? बता दें कि पुराने समय में हवाई जहाज में बीमार व्यक्ति का तापमान मापने के लिए कई अलग अलग प्रकार के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बाजार में काफी अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए हैं जिनमें पारा नहीं होता है। इस तरह के थर्मामीटर हवाई जहाज की मेडिकल किट में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हवाई जहाज में थर्मामीटर को ले जाने की अनुमति क्यों नहीं होती है। ऐसी ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।